यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के हिसार से पार्टी के प्रचार की शुरुआत की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर हिसार में हरियाणा बचाओ रैली का आयोजन किया गया है और साथ ही रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने यहाँ पर शिरकत की। और इस अवसर पर रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यदि प्रदेश की जनता उन्हें सरकार बनाने का मौका देती है तो वो प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे और किसानों को फसलों का उचित दाम भी देंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी देश की ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिकता बढ़ाकर वोट हासिल करने में विश्वास रखती है। बीजेपी के सत्ता में आते ही देश प्रदेश में धर्म और जाति के आधार पर दंगों में बढ़ोतरी हुई है। और इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है। 3 साल पहले आपने भाजपा को वोट देकर जिताया था, आज यहां इतने हजार हजार लोग खड़े हैं। जो जो लोग खट्टर सरकार से दुखी हैं, आप खड़े कर दो जरा से। रविवार को हिसार में हुई आम आदमी पार्टी की रैली को बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि फतेहाबाद के टोहाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा की जनता ऐसे आदमी की बातों में नहीं आने वाली है जो अपने बयानों से ही मुकर जाता है। बराला ने कहा कि केजरीवाल का हरियाणा में कोई आधार नहीं है। कर रहे हैं हरियाणा की जनता को ज्यादा भाव देने वाली नहीं है, क्योंकि जो फितरत समझ चुके होते हैं लोग तो व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, पूछना भी चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी से कि वो पंजाब में गए थे लोकसभा चुनाव से पहले, वहाँ यूँ कह करके आए थे वो कि हरियाणा को SYL के पानी की एक भी बूंद नहीं देंगे अगर उनकी सरकार पंजाब में आती है। जवाब दे करके जाए कि उन्होंने जो पंजाब में कहा था वो उसके ऊपर कायम है या इस मामले में भी वो पलटी मारते हुए पलटू राम की उपाधि लेने के लिए तैयार है। तो आने वाले चुनावों को लेकर हरियाणा में भी शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार करना। तो चुनाव प्रचार की शुरुआत आम आदमी पार्टी की ओर से भी हो गई है और बीजेपी की ओर से भी पलटवार उनकी बातों पर किया गया कि जिस तरीके से उन्होंने हिसार में हरियाणा बचाओ रैली का आयोजन किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टोहाना से हमारे संवाददाता नवल सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवल, ये जो रैली निकाली गई थी आम आदमी पार्टी की ओर से हिसार में, इस रैली को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, जो ये रैली निकाली गई थी केजरीवाल के द्वारा, इसके ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बड़ा तीखा बयान आया। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता कोई भाव नहीं देगी और आने वाले समय में इनको नकार दिया जाएगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे हमला बोलते हुए कहा कि वो अरविंद केजरीवाल जो है एकदम अपने बयान से पलट जाते हैं और लोगों को भेदभाव की जो पॉलिसी है, जो इनकी बातचीत है, उसको वो देख चुके हैं और इस तरह से उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है भाजपा की ही सरकार बनेगी और केजरीवाल को उन्होंने एक तरह से पलटू राम की संज्ञा दी। जी बिल्कुल नवर सिंह, तो जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि केजरीवाल का हरियाणा में कोई आधार नहीं है और हरियाणा में आने वाले वक्त में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी, तो केजरीवाल की ओर से भी कई पलटवार उन पर किए गए इसी चीज को लेकर। जी, इस बारे में जो रहा वो तो इनका जो बयान है वो इस तरह से रहा और दूसरी तरफ भाजपा और अन्य पार्टियों के बारे में बोलते हुए केजरीवाल ने यही कहा है कि आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी है उसके पक्ष में एक बहुमत चलेगा और जो लोग हैं इसको नकार देंगे, पुराने लीडरों को नकार देंगे और नई तरह से यहाँ पर जो है शासन प्रशासन बनेगा। उन्होंने कई तरह के वादे भी किए रैली के माध्यम से और कहा कि आने वाले समय में अगर उनको बहुमत मिलता है तो वो जो जितने भी नए वादे हैं, जितनी भी नई चीजें हैं जो नहीं भाजपा या कांग्रेस कर पाई तो उसको आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। जी बिल्कुल, इसी बीच इनेलो प्रवक्ता रविंद्र ढूल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो जिस तरीके से रैली निकाली गई आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा बचाओ रैली का आयोजन किया गया हिसार में, इस रैली को लेकर इनेलो का क्या कुछ कहना है? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट कर देंगे, ये रैली नहीं थी, एक जनसभा थी।
एक गांव के अंदर भी इससे बड़ी जनसभा हो जाती है हमारी पार्टी की तरफ से, खास करके जब हम लोग करते हैं जी। तो जिस प्रकार के वीडियो और वहाँ पे विजुअल सामने आए, लोगों ने दिहाड़ी की मांग की भादोगढ़ साइड से कि भी हमें 300-350 रुपए की दिहाड़ी दी गई थी, पैसे नहीं दिए गए, शराब पी करके कुछ लोग वहाँ पे सामने आए, जिस प्रकार की मीडिया के माध्यम से हमें विजुअल मिली है, तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे पैसे में लाई गई भीड़ थी। और इनका कोई आधार तो छोड़िए आप, इनको ना इनके पास में कोई विजन है किस प्रकार की, जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया है। और केजरीवाल जी तो वैसे भी हरियाणा विरोधी हैं, उन्होंने मेरे हिसाब से तो SYL के ऊपर तो उनके पास में कोई उत्तर ही नहीं बनता है। सबसे बड़ा जो हरियाणा का मुद्दा है पानी का, वहां पर तो ये हरियाणा को धोखा देकर के छुरा घोप करके जा चुके हैं। यहाँ पर ना इनके पास में लोकल लीडरशिप है ना ही कुछ और है, तो उसके बाद में केवल जनता को बहकाने के लिए यहाँ पर आए हैं और जनता इनको नकार देगी। जी बिल्कुल रविंद्र ढोल जी, क्या आपकी ओर से ये माना जा सकता है कि बिल्कुल बेअसर ये रैली रही? जी बिल्कुल, रैली तो थी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 3,000 कुल कुर्सियां लगाई गई थी, वो बमुश्किल उसके अंदर 2,500-3,000 लोग बैठे हुए थे, मैक्सिमम 3,500 आप मान सकते हैं। बहुत छोटा ग्राउंड है गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का, कोई बहुत ज्यादा उसमें स्पेस बचा नहीं है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसको रैली का आम दर्जा देना चाहिए। आम तौर पर जो है जिला स्तर के ऊपर जो जलसे होते हैं वो किसी भी पार्टी के इनसे बड़े होते हैं जी। तो इनेलो के आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आने वाले हैं हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, तो उसे लेकर इनेलो की ओर से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट है, ग्रामीण विकास और किसानों के ऊपर जो किसानों के साथ में धोखा किया गया है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र के साथ में जिस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है सरकार के द्वारा, युवाओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसके ऊपर हम सरकार से उत्तर मांगेंगे। और हमारे जो हमने जो घोषणाएं की थी हमारी रैली के अंदर, जो भिवानी रैली के अंदर 5-6 जो प्रमुख घोषणाएं थी उसके ऊपर हम प्रमुख चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र ढोल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रैली को फालतू की कवायद बताया गया है विपक्ष की ओर से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से रैली निकाली गई थी हिसार में, हरियाणा बचाओ रैली का आयोजन किया गया था जिसे सिर्फ एक जनसभा कहा गया। इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे रविंद्र ढोल, उनकी ओर से कहा गया कि सिर्फ ये एक जनसभा थी तो इसे रैली की संज्ञा नहीं दिया जा सकता। साथ ही उनका ये भी कहना था कि बिल्कुल बेअसर ये रैली थी। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, साथ ही केजरीवाल का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई आधार हरियाणा में आम आदमी पार्टी का है। तो बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की ओर से भी ये कहा गया है कि ये बिल्कुल फालतू की रैली थी और इस रैली का हरियाणा में कोई आधार नहीं है। हरियाणा बचाओ रैली भले ही इस रैली को नाम दे दिया गया हो लेकिन ये बिल्कुल फालतू की रैली थी। और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और ये जो रैली उनकी ओर से निकाली गई थी इस रैली का कोई मकसद नहीं था, कोई आधार नहीं था और साथ ही कोई अस्तित्व आम आदमी पार्टी का हरियाणा में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। तो ये जो हिसार में रैली निकाली गई आम आदमी पार्टी की ओर से, इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जितने भी रैलियों के आयोजन हो रहे हैं उसके अंदर दिहाड़ी पे लोगों को लाया जा रहा है। आपको जानकारी होगी कि 350-350 रुपया देकर लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया जी। तो उसके बाद इस तरीके से प्रेस को इकट्ठा करने की और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आप अपना जनाधार दिखाने के लिए आपको लोगों को टोपियां पहनाकर और दिहाड़ी पर लाकर बिठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में वैसे तो है ही नहीं, और केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंजाब में इन्होंने शुरुआत की थी और एंटर किया था वैसे ही हरियाणा में कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर ये मुंह के खाएंगे, ना ही इनका यहाँ पर कोई वसत्व है ना ही इनका कोई यहाँ पर जनाधार है। जी बिल्कुल। इसी बीच संजय आहूजा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी तो आहूजा जी आप सुन पा रहे हैं? संजय आहूजा जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगता है यहाँ पर संपर्क टूट गया है। आपको बता दें फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की ओर से इस रैली को फालतू बताया गया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ी थी रंजीता मेहता, उनका भी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी की जो ये रैली है बिल्कुल बेअसर ये रैली थी। और साथ ही रंजीता मेहता हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गई है। रंजीता मेहता जी आपका क्या कुछ कहना है इस रैली को लेकर?
देखिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं रीजनल और पार्टीज जो हैं हरियाणा के अंदर अपना सेटअप बनाने के लिए बार बार चक्कर मार रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं कि शायद हरियाणा में उनको एंट्री मिल जाएगी, बट जैसे पंजाब ने उनको नकारा है उसी तरीके से हरियाणा में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ पर जो मेन पार्टी है वो कांग्रेस है और अगर दूसरी पार्टी अगर जिसका अच्छा सचिव है वो वहाँ पे NLD है और भाजपा है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा हरियाणा के अंदर। कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को लग रहा है क्योंकि दिल्ली से लगता है हरियाणा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना सिर बनाना चाहते हैं और यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पर आपको बताना चाहूंगी जो पीछे की कुर्सियां थी वो पूरी खाली पड़ी थी और लोगों को जिनको दिहाड़ी पर लाया जा रहा था वहां बार बार क्रिप कर रहे थे कि हमें अभी पैसा नहीं मिला है, हमें रैली खत्म होने के बाद पैसा देंगे। तो इस तरीके की भीड़ जुटाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, इसका बेहतर जवाब तो केजरीवाल साहब खुद दे सकते हैं। इसी बीच नवीन जय हिंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी मैडम, तो आम आदमी पार्टी की ओर से ये जो रैली निकाली गई हिसार में, कितनी कामयाब ये रैली रही? देखिए मैडम, मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में पहले भी कंटिन्यू हो चुकी है हिसार में रैली, उसी ग्राउंड में हो चुकी है, सबसे बेहतरीन सबसे तगड़ी रैली और सबसे ऊर्जावान रैली हुई है जी। दूसरी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है, खट्टर साहब ने 2-3 महीने पहले ही वहां पे रैली की थी, वहां पे लोग ही नहीं पहुंचे थे और इस रैली से लोग, रैली खत्म हो रही थी तब तक आ रहे थे और हरियाणा बचाओ रैली से मुझे लगता है कि हरियाणा में बदलाव की एक शुरुआत हुई है और पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश खरोश, जो लोग वहां पे थे जी, उनको पता होगा कि उन्होंने, लोगों ने कहा है कि इससे हमने आज तक ऐसी रैली नहीं देखी। और अपना आप इंडिपेंडेंट फीडबैक लेके देखिए, हमें जो जनता ने बताया है जी कि ऐसा उन्होंने हिसार में कई सालों में ऐसा तस्वीर देखा है जिससे कि लोगों के अंदर एक एनर्जी और ऊर्जा देखी गई और हरियाणा को बचाने के लिए हमने आह्वान किया था कि जो लोग हरियाणा को बचाना चाहते हैं वो वहां पे पहुंचे और एक सफल और सुपर हिट रैली रही है जी। नवीन जी, कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। रंजीता मेहता जी, आपका क्या कहना है नवीन जय हिंद की इस बात पर? मैं ये पूछना चाहती हूँ नवीन जय हिंद जी से कि जब पंजाब के अंदर इलेक्शन थे तो यही केजरीवाल साहब वहां जाकर कहते थे कि हरियाणा के लिए एक भी बूंद पानी जो पंजाब के पास नहीं है, तो आज किस मुंह से हरियाणा के अंदर एंटर हो रहे हैं ये, किस मुंह से हरियाणा में आकर हरियाणा का हक का पानी मांगेंगे? और दूसरी बात, इन्होंने ये कही थी कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या इन्होंने दिल्ली में या इन्होंने पंजाब में स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया? किसान तो वहां पे भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र जो पार्टियों का होता है और दूसरी जगह पर आकर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और चाहे आप दिहाड़ी पे लोगों को ले आइए, चाहे पैसे देकर ले आइए, चाहे कोई और लालच देकर ले आइए, इससे आपको वोटें नहीं मिलती। आप भीड़ तो जुटा पाते हैं कहीं ना कहीं, पर वोट मांगने के लिए और वोट पाने के लिए आपको उस धरती के ऊपर काम करना पड़ता है और उस धरती से आपको निकलना पड़ता है। जी बिल्कुल रंजीता मेहता जी, जिस तरीके से वहां पर आम आदमी पार्टी के जो CM अरविंद केजरीवाल हैं उनकी ओर से भी कांग्रेस पर तंज कसा गया और कांग्रेस को कहा गया कि हुड्डा जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के काम करवाए हैं और सिर्फ अपनों के फायदों के लिए काम किया है, इस चीज पर क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बताना चाहती हूँ, हमने 10 साल तक हुड्डा की सरकार रही है, हरियाणा का 2300 करोड़ के बजट से लेकर 35,000 करोड़ का बजट तक हमने पहुंचा दिया था। और अब लास्ट जो हमने यहाँ पर किसानों के कर्जे माफ किए थे और हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की थी, वो ना कभी फ्यूचर में हो पाएगी इन लोगों से और ना ही हिस्ट्री में हो पाई है। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार का है, कांग्रेस ने ही हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाया था निवेश के अंदर, हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाया था प्रति व्यक्ति आय के अंदर, और आगे चलकर हरियाणा को कांग्रेस ही बचाने वाली है। और कांग्रेस का जो आधार है वो इस तरीके से है, चाहे केजरीवाल आ जाए चाहे और कहीं कभी कोई CM आ जाए, हरियाणा में उनको जगह नहीं मिलेगी। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का सचिव है और आने समय वाले समय में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो रैली को बिल्कुल फालतू की कवायद उनकी ओर से बताया गया है, साथ ही BJP का आम आदमी पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और सुभाष बराला की ओर से भी ये कहा गया है कि बिल्कुल बेअसर ये रैली थी और बिल्कुल फालतू की ये रैली थी।